ड्रोन शाम 4 बजे पीएम के साथ रक्षा मंत्री की अहम बैठक, बैठक में ड्रोन को लेकर भी चर्चा संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पटना में लोजपा की बैठक चिराग पासवान के पटना स्थित घर पर हो रही है। चिराग गुट के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे, यानी कि थोड़ी देर में इस बैठक को शुरू किया जाएगा। लोजपा की बड़ी बैठक है चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर, चिराग गुट के बड़े नेता शामिल होंगे। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पे लोजपा के कई बड़े नेता पहुंचे हैं और चिराग गुट की ये बड़ी जो है आज चर्चा होनी है और क्या कुछ आगे की रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी। पटना के चिराग पासवान के आवास पर आज लोजपा की अहम बैठक है, जिसमें पटना लोजपा के कई नेता भी पहुंचे हैं, बड़े नेता शामिल होने की उम्मीद है। तस्वीरों में देख सकते हैं चिराग गुट के बड़े नेता शामिल होंगे। आगे की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। लगभग 2 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है। लोजपा के कई नेता आज पटना पहुंचे हैं। चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर आज ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में चिराग गुट के नेता, बड़े नेता शामिल हैं। और लगातार लोजपा में हलचल तेज है और जब से लोजपा में टूट हुई है, दो गुट बने हैं, उसके बाद से ही पारस गुट और चिराग गुट के बीच अनबन है। और इसी बीच आज पटना में चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर आज लोजपा के बड़े नेताओं की बैठक है, जो चिराग गुट के नेता है। आज लोजपा की आज बड़ी बैठक में शामिल होने वाले हैं और चिराग पासवान के आवास पर भी पहुंच रहे हैं कई बड़े नेता। तो पटना में चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर लोजपा की अहम बैठक बुलाई गई है। चिराग गुट के नेता शामिल है कई अहम मुद्दों पर और आगे की रणनीति पर चर्चा है। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है चिराग पासवान के आवास पर। और इस पर अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़े हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, लोजपा की अहम बैठक है, चिराग गुट के नेता शामिल हो रहे हैं और इस बैठक को चिराग पासवान के आवास पर किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी और है? चिराग गुट के नेताओं की बड़ी बैठक है ऋतिक, और जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि एलजेपी के नेताओं की तरफ से यह बताया गया है, इस बैठक में जो शामिल होने वाले नेताओं हैं उनसे हमारी खुद बातचीत हुई है, उनकी तरफ से यह बताया गया है कि आशीर्वाद यात्रा को लेकर यह बैठक हो रही है, यह मीटिंग हो रही है। लेकिन इस बैठक से बहुत कुछ निकलकर सामने आना है, इस बैठक में बहुत कुछ तय होना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बैठक की जानकारी मीडिया को नहीं दी गई थी, गुपचुप तरीके से यह बैठक हो रही है और चिराग गुट के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो अशरफ अंसारी हों, चाहे वो शाहनवाज कैफी हों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हों, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव सचिव संजय पासवान हो, राजेश भट्ट हो, राकेश रोशन हो, ये तमाम बड़े नेता पटना में चिराग पासवान के घर पर मौजूद हैं। शाहनवाज कैफी, अशरफ अंसारी, राजू तिवारी जैसे नेताओं की अचानक पटना लैंडिंग होती है। शाहनवाज कैफी और ये जो बड़े नेता हैं ये कल पटना लैंड करते हैं और आज चिराग के घर पर बैठक होती है। इससे पहले कल ये खबर आती है कि चिराग पासवान अहमदाबाद में बीजेपी के बड़े नेता से मिलते हैं। तो दरअसल ये बैठक सिर्फ आशीर्वाद यात्रा को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि ये बैठक अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है चाचा पुष्पति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच। और हम लगातार बताते रहे हैं कि दरअसल बिहार की पिच पर ही इस खेल को खेला जाना है। तो अब तेजस्वी, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान के जो तमाम बैट्समैन हैं वो पटना पहुंच चुके हैं और पिच भी तैयार है, अब ये खेल शुरू हो जाएगा। चिराग पासवान के करीबी नेताओं से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि देखिए अब हम पटना में डेरा डालेंगे, पटना में ही रहेंगे और जाहिर तौर पर इसका अपना एक मतलब है, सिर्फ आशीर्वाद यात्रा की तैयारी नहीं है बल्कि बड़ी लड़ाई की तैयारी है। चिराग पासवान के करीबी नेता जुट गए हैं। बिल्कुल, नेता जो है तमाम लोजपा के बड़े नेता वहां शामिल है, चिराग गुट के नेता वहां पर शामिल है और आप वहां पर थे भी, सबसे आपने बात भी की है, सिर्फ आशीर्वाद यात्रा तो नहीं हो सकती। देखिए चिराग 5 जुलाई को आने वाले हैं बिहार और अब जुलाई का महीना आ रहा है और इससे पहले अब सुगबुगाहट तेज है। पशुपति पारस के गुट ने जो करना था वो कर लिया, अब चिराग पासवान के जो गुट के नेता है वो बहुत कुछ करने वाले हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और अपने दर्शकों को दे दूं ऋतिक, हमने जो एजेपी के नेताओं से बातचीत की गई है, हालांकि हमारे पास जानकारी थी किसी भी मैंने पहले ही कहा कि मीडिया को इसकी इस बैठक की जानकारी नहीं दी गई थी, हमें जानकारी मिली, हम पहुंचे और एजेपी के नेताओं से हमने बातचीत की।
बीजेपी को भी खूब खरी खोटी सुनाई है इन नेताओं ने। बीजेपी को ये याद दिलाया है कि हमारी हैसियत क्या है, एलजेपी के बड़े नेता हैं। नफरत में कैसे बदल गई जी? चिराग पासवान के करीबी नेता हैं शाहनवाज कैफी, शाहनवाज अहमद कैफी, उन्होंने कहा है कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनती, हमारे बिना किसी दल का कोई महत्व नहीं है, हम दाल में नमक की तरह हैं। तो जाहिर तौर पर यह सब बीजेपी के लिए ही कहा गया है, अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास बीजेपी को कराना चाहती है लोक जनशक्ति पार्टी। और जाहिर तौर पर इस बैठक से पहले जो कुछ कहा गया, जो बात हमसे हुई, इसका मतलब यही है कि इस बैठक में बीजेपी को लेकर भी रणनीति तैयार होनी है। बीजेपी को लेकर क्या स्टैंड रखना है, बीजेपी को कैसे बैकफुट पर लाना है, बीजेपी पर कैसे प्रेशर बनाना है, उस पर तमाम रणनीति बनेगी इस बैठक में। आशीर्वाद यात्रा को लेकर सिर्फ ये बैठक नहीं है, ये बार बार हम कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, दर्शकों को आप देख सकते हैं। पटना की ये तस्वीर है, चिराग पासवान के आवास की ये तस्वीर है, जहां पर लोजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं, चिराग गुट के नेता शामिल है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद है, राजेश भट्ट है, प्रवक्ता है, तमाम लोग वहां पर मौजूद है। और आज बैठक में रणनीति पर चर्चा होने की बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात आशीर्वाद यात्रा। और चलिए वापस जुड़ते हैं अभिषेक आपसे, और जो तमाम बातें वहां पर चल रही हैं, क्योंकि आप वहां पर गए, तस्वीरें साझा हम कर रहे हैं दर्शकों को, और ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है, क्योंकि ये बैठक जो बार बार हम कह रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा जो है, ये सिर्फ आशीर्वाद यात्रा पे इतनी बड़ी जो बैठक है वो नहीं बुलाई जा सकती। जो चिराग वापस आने वाले हैं, पटना बिहार आने वाले हैं, उनसे पहले ये बैठक होना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। और चिराग इससे पहले भी कई बार बैठक दिल्ली में कर चुके हैं, अपनी बातें कह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोल चुके हैं। जो एक तरफा उनकी मोहब्बत थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, अब वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि कई बार मुझे भी लगता है कि ये एक तरफा मोहब्बत ही थी, लेकिन जिस तरह से कल चिराग पासवान अचानक अहमदाबाद पहुंचे, बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की, उसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि चिराग पासवान अंतिम वक्त तक ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि बीजेपी अब पूरी तरह से मेरे साथ खड़ी नहीं है, बीजेपी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, तब नए विकल्पों पर विचार होगा, तब नए दोस्त तलाशे जाएंगे। और दोस्त तलाशने की जरूरत भी नहीं है, आरजेडी ने पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, तो चिराग पासवान के पाले में गेंद है, वो आरजेडी का हाथ, तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ लेते हैं या फिर उसको झटक देते हैं, दोस्ती को अस्वीकार कर देते हैं। तो चिराग पासवान के पास बिल्कुल एक आखिरी सवाल, बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने ऑफर कर दिया है, तेजस्वी यादव ने ऑफर कर दिया है कि अगर भाई आना चाहता है तो भाई आ सकता है, ये बात उन्होंने कह दी है, यानी कि आरजेडी की तरफ से अब रास्ता साफ है। अगर, और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि 2 महीने बाद बिहार की एनडीए सरकार गिरेगी, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी बिहार में, और अगर अब चिराग उनके तरफ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संभव हो गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें तो हो सकती है। और चिराग जब अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, तो ये इशारा कहीं ना कहीं कर रहा है कि सही, जैसा कि आपने कहा है कि एक बार वो कंफर्म करना चाहते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी उनके साथ खड़ी है या नहीं है। जी बिल्कुल, कंफर्म करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। चिराग पासवान को यह एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी नहीं है, लेकिन जो समीकरण है, जिस तरह का पूरा हिसाब किताब है बिहार की राजनीति का, हम लोगों को भी लगता है, चिराग पासवान को भी यह भरोसा है कि बीजेपी पूरी तरह से उनका साथ तो नहीं छोड़ सकती है, बीजेपी आधिकारिक तौर पर उनका साथ नहीं छोड़ सकती है, पर्दे के पीछे रहकर चिराग पासवान की मदद करना चाहे तो कर सकती है या कर भी रही है। बिल्कुल, तो चिराग पासवान का साथ बीजेपी पूरी तरह से छोड़ेगी ऐसा लगता नहीं है, रास्ता निकालने की कोशिश जरूर हो रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि आज लोजपा की बड़ी बैठक बुलाई गई है, चिराग पासवान के आवास पर चिराग गुट के बड़े नेता शामिल है, और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया, तमाम जानकारी उन्होंने भी साझा की है। तो चिराग की गुट की यह बैठक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातों की तरफ इशारा करी, क्योंकि सिर्फ आशीर्वाद यात्रा को लेकर यह बैठक नहीं हो सकती है, कई बड़ी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। पटना में लोजपा के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के गुट के जो नेता हैं, इस तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है डीटीवी भारत आपको दिखा रहा है, लोजपा की अहम बैठक मानी जा रही है। पारस गुट के नेताओं की बैठक हो चुकी है और अब चिराग गुट के नेता वहां पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, एक से एक बड़े नेता लोजपा के, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि चिराग अब बिहार लौट रहे हैं, पटना लौट रहे हैं, और अब चिराग के लौटने से पहले चिराग गुट के नेता भी जो है वो एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में, और आज
पटना स्थित चिराग पासवान के आवास पर ही यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, कई पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जा रही है कि आखिर कैसे अब पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। और इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कई बातें सामने निकल कर आएंगी जब यह बैठक पूरा हो जाएगा। और पटना में लोजपा के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। बता दें कि यह बैठक चिराग पासवान के पटना स्थित आवास में हो रही है। इस बैठक में शाहनवाज कैफी, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान और पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं इनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूँ अभिषेक मिश्रा। खबर लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर है और लोक जनशक्ति पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चिराग पासवान के जो तमाम करीबी सिपहसालार हैं, वो इस वक्त पटना में हैं। पटना में चिराग पासवान के घर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, पार्टी के बड़े नेता शाहनवाज कैफी सर हैं, पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान हैं, राजेश भट्ट हैं। तमाम नेताओं से हम बातचीत करेंगे। चिराग पासवान जी के घर पर ये जुटान आज क्यों है? सर, शुरुआत राजू तिवारी जी से, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, चिराग पासवान जी के घर पटना में, दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए थे आप, आज पटना में मोर्चा क्या संभालना है? कब हम लोग मोर्चा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम 20 साल से जुड़े हुए इस पार्टी में, तो पार्टी के सुख दुख हर घड़ी में पार्टी के कार्यकर्ता के होने का कर्तव्य है, कर्तव्य का हम निर्वहन कर रहे थे। इसमें मोर्चा की बात कहाँ से आ गई? तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज पटना लैंड कर गए हैं, इसके अपने मायने निकाले जाएंगे। घर पर चिराग पासवान जी के घर पर नेताओं का जुटान है, उसका अपना मतलब निकाला जाएगा, आप ही जानते हैं। देखिए, हम बिहार ही के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार ही में हमको रहना था। बीच में कुछ दिन के लिए हम गए थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बिहार आ गए हम लोग। आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत हम लोग को करना है, हाजीपुर से करना है। आदरणीय रामदास पासवान जी जब 77 में सुल्तानपुर से ही उन्होंने हाजीपुर की राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और वहीं से आदमी श्री चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा की। तो बिहार में अब आप डटे रहने वाले हैं? बिहार ही के हम लोग नेता हैं, बिहार ही हैं तो बिहार ही में रहेंगे। आशीर्वाद यात्रा की तैयारी है। एक सवाल और है सर, कल जिस तरीके से खबर आई चिराग जी अचानक अहमदाबाद पहुँच गए, पार्टी के नेताओं को भी इसकी खबर नहीं थी। खबर यह भी है कि बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात भी हुई है अहमदाबाद में। देखिए, इस बात की जानकारी नहीं है, हमसे कोई हमको जानकारी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात नहीं हुई है, हम इस बारे में पूछते हैं जी। तो हमारे साथ पार्टी के दूसरे नेता हैं, शाहनवाज कैफी साहब हैं। चिराग पासवान जी के घर पर पटना में हम लोग मौजूद हैं, शाहनवाज कैफी भी पटना में हैं। वही सवाल आपसे, सवाल एक जैसा लग सकता है लेकिन शाहनवाज कैफी दिल्ली में भी जो लड़ाई चल रही है उसके प्रमुख रणधिकारों में से एक हैं और आज पटना में कैसे, कल आपने हाजीपुर की बैठक को भी अटेंड किया है। आप पत्रकार साथी, इसको लड़ाई बोलते हैं? हम लड़ाई है सर, दोस्ती हमसे कौन नहीं करना चाहता? मेरे बिना किसी का कुछ चलना है? नमक के बिना कोई सब्जी बनी है? और 250 ग्राम है, हम जिधर गए हैं 125 हो गए, इतिहास साक्षी है। हाथ पकड़ लेंगे छोड़ देंगे? हम हाथ पकड़ने छोड़ने की बात कहां कर, हम ये कर रहे हैं मेरे बिना किसी का राजनीतिक वजूद नहीं है। मैं जहां से खड़ा रहूंगा वहीं से लाइन शुरू होगी। आज जो मीटिंग हो रही है चिराग जी के घर पर, उस मीटिंग से क्या निकल कर सामने आने वाला है? 5 जुलाई को सिर्फ यहां पर आपको आदरणीय राजू जी को देख रहे हैं, आप आदरणीय संजय जी को देख रहे हैं, इंजीनियर रविंदर जी को देख रहे हैं, राकेश सिंह जी को देख रहे हैं, भट्ट साहब को देख रहे हैं, मृणाल भाई को देख रहे हैं, सिर्फ ये नहीं देखिए, सुरेंद्र विवेक जी को देख रहे हैं। अब ये देखिए, इस तरह की मीटिंग संपूर्ण बिहार में कल शाम के बाद शुरू हो गई। तो चलिए, हर जिले में तैयारी शुरू है। तो हर जिले में तैयारी शुरू हो गई है। तो आज लोजपा की अहम बैठक बुलाई गई है चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर। यह बैठक बुलाई गई जैसा कि हमने आपको दिखाया है, हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी बात की और तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन अब बैठक के बाद क्या कुछ सामने आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजद में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। सोमवार को राबड़ी आवास में तेजस्वी यादव ने राजद नेता और पूर्व राजद प्रत्याशियों के साथ बैठक की, तो आज एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में आरजेडी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम साफ साफ दिखा रहे हैं आपको, पटना के आरजेडी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और इस बैठक में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। लगातार तेजस्वी यादव बिहार आकर बैठक
का दौर जो है उनका लगातार जारी है और इस बैठक में आरजेडी के 25वीं सालगिरह यानी कि सिल्वर जुबली को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। लगातार आरजेडी की तरफ से यही बयान भी आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको सीधा दिखा रहे हैं पटना के आरजेडी प्रदेश कार्यालय से। तस्वीरों में देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आ गए हैं और तेजस्वी यादव इस बैठक में आरजेडी के तमाम बड़े नेता के साथ मौजूद है। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम आरजेडी के छोटे बड़े नेता वहां पहुंचे हैं और तमाम बातें होने वाली है, कई मुद्दों पर चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो बात लगातार आरजेडी कह रही है कि 25वीं सालगिरह पर ही हमारा पहला फोकस है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आरजेडी कार्यालय के बाहर से हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष जुड़े हैं। उत्कर्ष, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर हो रहा है। उत्कर्ष, आप इस वक्त आरजेडी प्रदेश कार्यालय में हैं, तेजस्वी यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा है इनका, और जब जब बैठक करते हैं सत्ता पक्ष में घमासान तो होता ही है। जी बिल्कुल ऋतिक, जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटे हैं उसके बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जब वो अपने कार्यकर्ताओं से न बैठ के बात किए हों, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे वो विधायक हो, तमाम उन मुद्दों पे बात हो रही है जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि 25 सिल्वर जुबली जो है वो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का होने वाला है, ये 5 जुलाई को है और सब उसके साथ ही साथ जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है उनकी भी जयंती मनाने की बात कही जा रही है। तो जो जितने दिन से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजधानी पटना में है वो लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और आज भी प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रहे हैं तमाम उन विधायकों के साथ, उन नेताओं के साथ जो अलग अलग जिलों से आए हैं। और साफ तौर पर 25वें जो एनिवर्सरी मनाई जाने वाली है, क्या कहते हैं, राजद की, उसको लेकर जी बिल्कुल, इससे पहले भी तेजस्वी यादव बैठक करते थे, बैठकों का दौर तब भी उनका खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जब से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जेल से बाहर आए हैं और जब से उनके साथ हैं तब से तेजस्वी में एक अलग ताकत दिख रही है, मीडिया भी देख रही है और बिहार की जनता भी देख रही है और सत्ता पक्ष के लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो लालू प्रसाद यादव हैं वो सिर्फ राजद के सुप्रीमो ही नहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं पूरे भारत के, और ऐसे में जब उनके पिता जो हैं तेजस्वी यादव के वो अगर बाहर हैं, जेल से बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्षमता है वो राजद की वो दुगनी हो गई है। और क्योंकि उनका तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि अभी बाहर नहीं जाने के लिए, इसलिए वो 25वां जो सिल्वर जुबली मनाना है राजद का उसमें वो नहीं आ सकते, लेकिन वर्चुअल तरीके से जरूर जुड़ेंगे और तमाम उन नेताओं से बात करेंगे, उन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और संगठन को मजबूत करने की बात की जाएगी। बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने की बात की जाएगी। इस वक्त तेजस्वी यादव का भी बयान आया था, जो 2 महीने में सरकार गिरेगी उसके बाद से 3 बैठक और आज एक और बैठक, इस बैठक के बाद क्या कुछ अब निकलकर सामने आएगा, क्योंकि देखिए फोकस सिर्फ सिल्वर जुबली पर तो नहीं हो सकती, इसके अंदर एक बहुत बड़ी रणनीति पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल ऋतिक, हमने बताया कि मॉनसून सत्र आने वाला है तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद अब बारिश जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आ रही हैं, चाहे वो अलग अलग जिलों में हो चाहे राजधानी पटना हो, बारिश से जलजमाव को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार की फजीहत जो की है विपक्ष ने, उसको लेकर और ज्यादा घेरने वाले हैं और सिल्वर जुबली भी कहीं ना कहीं एक बात रह सकता है, क्योंकि बीते दिन जब राजद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव वो विधायकों के साथ बैठक करते हैं और कहीं ना कहीं रणनीति जरूर बनाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा है कि सरकार गिरानी है तो सरकार गिराने से पहले बैठक तो जरूरी है। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, वहां पर भी एक बैठक की जा रही है, इस बैठक में आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। पटना में तेजस्वी यादव के वैक्सीन नहीं लिए जाने को लेकर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हमला बोला है। दानिश रिजवान ने कहा कि सरकार का साथ दीजिए और वैक्सीन को लेकर भ्रम ना फैलाइए। एक तरफ जहां देश कोरोना से परेशान है, वहीं हम और सरकार के लोग अपोजिशन के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से तंग आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी घर में बैठे हैं, कोरोना का भयानक काल चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि जनता के बीच में एक मैसेज देने के लिए कम से कम वैक्सीनेशन करा ले, खुद कराए, खुद अपने परिवार के सदस्यों से करवाए और अपने समर्थकों से भी आह्वान करें कि वो जाकर वैक्सीनेशन कराए, वैक्सीन ही जान बचाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को तो अपनी राजनीति करनी है।
पटना में नीतीश सरकार की स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा बन गया है और सबसे ज्यादा सटीक हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आई है कि 2020 में जितने कोविड केयर सेंटर थे उतने ही 2021 में भी रह गए। रिपोर्ट ले ली, अभी नीति आयोग का भी रिपोर्ट था, बाकी सारा रिपोर्ट ले ली, सब में बिहार नीचे से टॉप करता है। इसके लिए तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए बिहार सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। हेल्थ हो, शिक्षा हो, नीति आयोग का रिपोर्ट हो, बाढ़ का मामला हो, जल जमाव का मामला हो, स्मार्ट सिटी का मामला हो, चार स्मार्ट सिटी में कोई स्मार्ट सिटी को नहीं मिला इस बार, तो ये स्थिति है। इस स्थिति से बिहार सरकार को जब तक जनता को इस सरकार से निजात नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, ये सरकार बिहार पर बोझ बनी हुई है। एसटीटी अभ्यर्थियों का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं राजधानी पटना में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। बता दें कि एसटीटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने निकले और इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बता दें चले कि अभ्यर्थी लगातार शिक्षा विभाग पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एसटीटी के अभ्यर्थियों के साथ कुछ भी गलत हम नहीं होने देंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, आप खुद सुनिए। इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, ना हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है, और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करें। तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान हमने आपको सुनाया है। और इस एसटीईटी अभ्यर्थी मामले पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम छात्रों के भविष्यों के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो भी गलतियां की गई हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान हमने आपको सुनाया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोकामा में जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुशवाहा के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की और बालू लदे 3 ट्रक को जब्त किया है। तो वहीं पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। खनन विभाग की इस कार्रवाई से बालू माफिया गिरोह में खलबली मची है। बेगूसराय के पचम्बा पंचायत में संपत्ति के लालच में पति और ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदों को शर्मसार करा दिया। तेगड़ा थाना क्षेत्र के मोधरापुर के रहने वाली अपनी बहू को लोगों के सामने न सिर्फ निर्वस्त्र किया बल्कि बलात्कार कराने और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं पीड़िता अब न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटा रही है। ऐसे में पीड़िता से बात की बेगूसराय संवाददाता जिवेश तरुण ने। आपने महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण के किस्से और तस्वीरें ढेर सारी देखी होंगी, लेकिन ऐसी ही एक घटना बेगूसराय से अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जहां एक पीड़ित महिला की अपने ससुराल वालों ने लोगों को बुलाकर चीर हरण करने की कोशिश किया है। ऐसे में यहां बेगूसराय के सिंघौल थाना कैंपस में हमारे साथ वो पीड़ित महिला हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। परेशानी यही हुई सर कि मेरे पति घर में आए कल रात में और मुझे घर से बाहर गेट ठकठकाए, पति है तो मैं तो खोलूंगी ही, मैं खोली, उसके बाद वो बाहर निकाल लिए। 3-4 अज्ञात 4-5 लोग थे 4-5 अज्ञात लोगों को लाके मेरे साथ गलत करने की कोशिश करने लगे और कहें कि मैं तुम्हारे साथ पूरे, मुझे म्यूट कर दिया गया सर, म्यूट करके कहा गया कि तुम यहाँ से चली जाओ, तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अगले बार बलात्कार करवाऊँगा, मेरी सास बोली मुझसे। कुल 8 लोग थे, पति, देवर, सास, ससुर और बाहर से 4 लोग थे सर। ये चाहते हैं कि एक मेरा बच्चा मिल जाए और मेरी छोटी बहन से उनकी शादी हो जाए, कारण बस यही है सर कि मैं किसी तरह से मर जाऊं। इससे पहले पॉइजनिंग भी देने का केस किया गया है सर, जो अमृत जीवन हॉस्पिटल में हमारा इलाज हुआ है सर, 18 मार्च की घटना है सर। सिंघौल थाना आई हूँ सर न्याय के लिए सर,
और मेरे बाल भी काट दिए गए थे 18 जून को, जो कि मैं सोई हुई थी उसी में मेरी चोटी कट गई है सर। ये मेरे बाल हैं सर, वाई कट इस तरह से कर दिया गया है सर। तो भी मैं चुप रही, मारा भी बिटा भी गया, तो भी मैं सहती गई कि चलो कम से कम पति ही ना मारते हैं। लेकिन कल तो मेरे साथ बहुत ही अन्याय हो गया सर, तब मैं थाना आई हूँ आज। कल रात में हम लोग के गेट के सामने लगभग तकरीबन 2 गोलियां फायर की गई थी। फिर मैंने मामा लोग को फ़ोन किया, फिर मामा लोग बोले कि गेट बंद कर लो और खिड़की लगा लो। फिर भी हम लोगों ने खिड़की खुली छोड़ दी थी, पर मेरी जो दादी है उन्होंने गेट खोला तो मैंने उनका फ़ोटो भी खींच लिया था। तो फिर अचानक से इन लोग को फ़ोन किए थे मामा लोग को, हम लोगों ने फ़ोन किया, फिर मामा लोग बोले कि तुम अपना खिड़की भी बंद कर लो। हम लोगों ने खिड़की बंद कर लिया। फिर हम लोगों को 4 लोगों की अंदर आने की, चार पाँच लोगों की अंदर आने की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर हम लोगों ने फिर से मामा लोग को फ़ोन किया, मामा लोग बोले कि गेट किसी हालत में मत खोलना। हम लोग को फिर सो गए थे रात में। फिर मेरी तकरीबन आधी रात उसे, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तकरीबन। फिर मैंने जब मेरी रात में नींद खुली तो मैंने मेरी मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने फिर गेट खोलने की बहुत कोशिश की पर कोई गेट बाहर से बंद कर दिया था। जैसा कि बच्चा अभी बोला कि मतलब घटना होने के बाद हम लोगों को फ़ोन किया तो हम लोग बोले कि खिड़की के बारे अपना जो है बंद कर लो, सुबह हम लोग आते हैं या अभी चलते हैं। तो लगभग 2:30 बज रहा होगा या 2 बजे के आसपास होगा। उसके बाद हम लोगों ने भी अपने गांव में लोगों को इकट्ठा किया, सुबह हम लोग पहुँचे, गए वहाँ अपना बात विचार पूछे, उसके बाद थाना आए। और फिलहाल खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत, नमस्कार। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा,